इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जो सक्सेस चाहते हैं, उस फील्ड के किसी भी सक्सेसफुल आदमी को लें और उसे डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेशन का अमल आपकी सक्सेस के सफर को तेज तर कर देता है। मिसाल देता हूं, आप में से किसी को केक बनाना आता है, आप में से बच्चे आना चाहिए, और में से किसी को केक बनाना आता है, किसी को आपको आता है बनाना? अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि इन्हें केक बनाना आता है। मुझे केक बनाना नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूं मैं जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, मैं यहां गया, मैंने ये पढ़ा, मुझे इनसे पूछने की क्या जरूरत है। मैं जनाब किचन में चला गया हूं, वो लहसुन प्याज अदरक लेके केक बनाता हूं। अच्छा, वो केक नहीं बनता। अब मैं स्ट्रेटजी चेंज करता हूं, अब मैं उसमें से प्याज निकालता हूं, नमक डालता हूं, फिर नहीं बना, फिर ये निकाला, आटा डाल दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पता किसी ने बताया मैं चीनी डालती है, अब मैंने चीनी डाल दी, साथ में थोड़ी सी डाली मैंने, केक फिर नहीं बना। बस ट्राई अगेन, मुहावरा बनाया गया था ना बचपन में, अमीर तैमूर की कहानी बताई गई थी हमें साथ, या रॉबर्ट ब्रूस की कहानी थी वो ट्राई अगेन वाली ना, तो लगा रहा आरिफ सिद्दीकी एक नए दिन तू केक बना लेगा। तो क्या ये जरूरी है कि 1000 साल के बाद भी मैं केक बनाने में कामयाब हो जाऊं? जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी में भी, लेकिन पॉसिबिलिटी मतलब यकीन नहीं है। लेकिन अगर मैं इनसे मिलूं, इन्हें रिक्वेस्ट करूं कि भाई सिस्टर सुना कि आप बड़ा अच्छा केक बनाती हैं, तो काइंडली आप मुझे बताएंगे कि आप कैसे केक बनाती हैं, उसकी रेसिपी क्या है, आंच कैसे देनी है, बर्तन कैसा यूज कर रहे हैं, केक बनाते हुए सोचती क्या है, करती क्या है, वगैरह वगैरह सारा कुछ। इनसे सब मैं सीखता हूँ, इनकी निगरानी में 1, 2, 3, 4 दफा केक बनाता हूँ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इनसे भी बेहतर केक बनाने लगे हूँ? दिस इज डुप्लीकेशन। कि आप एक प्रूवन सिस्टम को लेते हैं, उसे कॉपी करते हैं, एंड देन यू इंप्रूव अपॉन। दूसरों की गलतियों से सीख लें ना, जो दूसरों ने केक बनाने में जो गलतियां की थी वो सीख लें, खुद वो स्टेप्स ना करें, तो नई गलती करें, गलतियां तो बेशुमार करने वाली ना, तो नई गलती करनी चाहिए।